क्या करा रहा हूं मैं आपको, जीएसटी में अगर डिस्काउंट आ जाए तो कैसे होगी ट्रीटमेंट, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ही एक ट्रांजैक्शन है, वो भी कर लेते हैं पहले, फिर अलग से और क्वेश्चन भी करेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 15th पार्ट, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आगे की कहानी तो छोड़ो, पहले तो यहीं पे आपको ध्यान देना है। नॉर्मल सिनेरियो में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज ऑन कॉस्ट, ऐसे लिखा होता है, कॉस्ट प्लस 20%, या गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 40,000 का सामान 20% 8,000 48 में बेच दिया, बट यहां क्या लिखा है, गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जीएसटी की बात नहीं है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन घुमा के, जर्नल में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। तो इट इज अगेन अ मैथमेटिकल पार्ट, जीएसटी से कोई स्पेसिफिक नहीं है इसकी रिलेशन, ध्यान से देखना। आगे की बातें तो बाद में, पहले मैं आपको क्या कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, प्रॉफिट। सर 20% डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकते, उन्होंने बोला प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस, उन्होंने तो आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ध्यान से देखना वर्किंग नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी करा चुका हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन इट इज गिवन एज अ परसेंटेज, व्हेन इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, व्हेन इट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट इज गिवन, सेलिंग प्राइस नॉट गिवन, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है। तो ध्यान से देखना, कॉस्ट क्या थी 40,000, प्रॉफिट क्या है 20% ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस नॉट गिवन, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट 40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो जब भी ऐसा गिवन हो कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट इज गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस इज नॉट गिवन, तो ध्यान से देखना, लेट सेलिंग प्राइस बी एक्स, हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये तो जनरल इक्वेशन होती है कि आपने कितने का खरीदा उस पर कितना प्रॉफिट ऐड किया, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, तो प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 0.2x, यस और नो, अभी तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कॉस्ट 40,000 थी, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, लेट द सेलिंग प्राइस बी एक्स, सेलिंग प्राइस गिवन नहीं था तो प्रॉफिट था 0.2x। अगर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.2x विच इज इक्वल टू 0.8x, तो कॉस्ट इज 0.8x, और कॉस्ट कितनी गिवन है 40,000 इज 0.8x, तो x इज 40,000 डिवाइडेड बाय 0.8, ऐसे में हटा देंगे 2425, तो कितना आया 50,000। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट सर? बट ये तो स्टेटमेंट है प्रॉफिट ऑन सेल्स, सर ये थोड़ी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि सर जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो तो मतलब सेल्स के अंदर ही तो आएगा, वो जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो नहीं बेटा, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात नहीं है,
क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने का तरीका होता है, जानबूझ के देते हैं कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे क्वेश्चन को ध्यान से। कैलकुलेशन का तरीका है कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है ना उसमें इंक्लूडेड है प्रॉफिट, बट कैलकुलेशन वाइज उसका 20%। कैलकुलेशन वाइज तो जो 50,000 आया सेलिंग प्राइस, अब वेरीफाई करते हैं, स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना आया 50,000, 20% ऑफ 50,000 क्या होता है 10,000, कॉस्ट कितनी है 40,000, तो प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, तो मैच कर रही है हमारी इंफॉर्मेशन, यस सर। तो वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने का बड़ा प्यारा तरीका है। नॉर्मल सिनेरियो में प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट, जब स्पेसिफिकली उसने बोला कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स तो फिर करना ही वही है। अब आगे की कहानी, पहले तो यहां तक पहुंचना था, अब ध्यान से देखना। तो आपने कितनी वैल्यूएशन करी सामान की 50,000, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तक हम पहुंच गए थे। अब आगे ध्यान की आगे की कहानी, जीएसटी तो अब आएगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच एंड रिसीव्ड अ चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो सबसे मजेदार बात क्या है कि जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द डिस्काउंट्स। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, कैश डिस्काउंट भी है 2% और उसने पैसे दे दिए, तो पूरा निकालेंगे 10% 2%। ध्यान से देखना, लिस्ट प्राइस तक पहुंच गए सब, यस सर। नाउ लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, 5,000, 45,000, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। अगर कुछ पार्ट पेमेंट आती तो अलग कैलकुलेशन होती है, अभी तो पूरे पैसे दे ही रहे, तो 2% इज 900, यस और नो? क्या हो गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, टैक्सेबल वैल्यू आ गई। इसके ऊपर क्या इंपोज हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी है, क्या रेट है, हम सामान खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना, तो एड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, क्या रेट गिवन है 6%, तो 44,100 का 6%, 441 × 6, 2646, तो टोटल कितना हो गया 44,100 प्लस 2646 प्लस 44,100 प्लस 2646 प्लस 2646 49, ठीक है 49392। दो बातों का ध्यान रखना था, एक कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी इज calculated on the taxable value, इसमें कोई डाउट? नो सर। दूसरी बात, कैश डिस्काउंट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल वैल्यू। अब इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं,
कुछ लोग निकालते हैं, कुछ ऑथर्स निकालते हैं कैश डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू, कुछ निकालते हैं कह रहे जीएसटी पे थोड़ी ना कैश डिस्काउंट दे देंगे हम, जीएसटी तो हमने आगे गवर्नमेंट को देना है, सामान पे दे देंगे, सामान कितने का था 45,000, सामान पे दे देंगे आपको डिस्काउंट, कह रहे लेकिन मैंने तो आपको पैसे ज्यादा देने हैं ना, कह रहे आप तो जो मुझे जीएसटी दे रहे हो वो तो मुझे आगे गवर्नमेंट को देना है, उस पर मैं कैसे डिस्काउंट दे दूं आपको। तो अब ट्रेड डिस्काउंट तो पहले सबसे पहले माइनस कर ही दो, उसके बाद देखना है कि कैश डिस्काउंट है कि नहीं है। जीएसटी कब कैलकुलेट होगा? आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। अब मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं कि कैलकुलेशन में क्या क्या आएगा। सामान कितने का है? 45,000, ठीक है ना, 45,000 का ही सामान है। नेट वैल्यू जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट सेल जो ही है 2646 जीएसटी है, ठीक है। एंट्री पास करके दिखाता हूँ, 15th सोल्ड टू कपिल एंड रिसीव्ड अ चेक, तो पैसे आ गए हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो हमने सेम डे बैंक में डाल भी दिया होगा, 15th कपिल से पहले आए, तो मैं डायरेक्टली 15th एंट्री आपको करके दिखा रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब आपने डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट आपने दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स में सेल वैल्यू आती है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, क्या आती है? सेल वैल्यू नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो सेल वैल्यू क्या है? 45,000, 45,000। अब ध्यान से देखना, 45,000 और जीएसटी कितना था? 2646, 2646, 2646 ईच। आपने डिस्काउंट कितना दिया? कैश डिस्काउंट 900 था, यस और नो? यस सर। इन कैलकुलेशन में किसी को डाउट? तो आपको पैसे कितने मिले होंगे? 45,000 प्लस 2646 प्लस 2646 माइनस 900, 49392। कितने मिले होंगे? कैलकुलेट किया था हमने, 49392। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट सेंड कर रहा हूं, आराम से क्वेश्चन को रीड करें, कैलकुलेशन चेक करें, क्योंकि मैं यही सेम चीज अभी एक दो बार और करने वाला हूं, तो पहले ध्यान से पढ़ लोगे तो आगे इजीली आपको समझ आ जाएगा, बट पहले एक बारी आराम से ध्यान से इसको देखें।